हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 डेज स्टडी शेड्यूल के बारे में, जो कि है एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीजीएल टीयर 2 का रिजल्ट, टीयर 1 का रिजल्ट कल जारी हो गया है और टीयर 2 की डेट्स भी आ गई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन से लोगों को सीजीएल टीयर 2 की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, और अगर तैयारी करने का है, प्लान कर रहे हैं, तो हमें कैसे तैयारी करना है, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और वीडियो को प्रोसेस करता हूं मैं। मेरे बारे में जानने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। मैंने एसएससी सीजीएल 2016 क्लियर किया है एंड आई वॉज ऑडिटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो बिफोर वी मूव अहेड, मैं आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में बताना चाहूंगा। अनअकैडमी प्लस पर अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस कोर्सेज। ये मेरे सारे कोर्सेज हैं जो कि अनअकैडमी पर ऑलरेडी से शेड्यूल्ड हैं, आप इनको जाकर देख सकते हैं। टीयर 2 का बैच ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, तो सारे रिकॉर्डेड वीडियोज अवेलेबल हैं। आप इन सभी में एनरोल कर सकते हैं और जाकर पढ़ाई कर सकते हैं अपनी टीयर 2 के लिए, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें आज अपने इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सीजीएल टीयर 2 की तैयारी के लिए, तो लेट्स स्टार्ट। कैसे आपको तैयारी करनी है और क्या कुछ आपके टारगेट हैं। तो पहला काम हमें करना है गोल सेटिंग। देखिए, हमारा टारगेट क्या है। टारगेट है हमारा सीजीएल टीयर 2 और टीयर 3 का एग्जाम, और जिसमें हम टारगेट लेकर चलेंगे कि हमारे दोनों ही एग्जाम्स में हम एटलीस्ट हमारा जो टीयर 2 का एग्जाम है उसमें हम मैथ्स और इंग्लिश में दोनों में ही कम से कम 180 प्लस का टारगेट करेंगे, ठीक है। देखिए, आपको ये टारगेट बहुत ही अनअचीवेबल लग सकता है बच्चों, लेकिन एक बात बताओ, किसने सोचा था कि कट ऑफ 147 जाएगी, किसने सोचा था डबल ए की कट ऑफ 180 जाएगी। तो अगर आपको टारगेट्स अपने अनअचीवेबल लगेंगे तो फिर ऐसे काम नहीं बनेगा, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि एग्जाम का जो लेवल है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं। आप देख रहे हो कि भाई 147 कट ऑफ गई है, जो अभी तक की हाईएस्ट है। मैं 2015 से सीजीएल को ट्रैक कर रहा हूं और ये अभी तक की हाईएस्ट कट ऑफ है। इसके रीजन अपने हैं, क्योंकि इस बार इन्होंने सिर्फ 125,000 बच्चे लिए हैं। वैसे पिछले साल इन्होंने 175,000 बच्चे लिए थे, तो इस बार 50,000 कम बच्चे लिए हैं, इसी वजह से कट ऑफ थोड़ी ज्यादा है, ये भी एक रीजन है। लेकिन फिर भी लेवल ऑफ एग्जाम लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको टारगेट भी उसी तरीके से लेकर चलना है कि मैथ्स और इंग्लिश में हमारे 180 प्लस दोनों में अगर एग्जाम में आते हैं तो आप फिर इस एग्जाम को बिल्कुल ईमानदारी से क्रैक कर पाएंगे। और आपकी जो डेट्स आई हैं वो आई हैं 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आपका टीयर 2 है, और 1 नवंबर को इन्होंने टीयर 3 दिया है। जिस हिसाब से इन्होंने डेट्स दी हैं, इनसे हमें ये लगता है कि टीयर 2 के बाद ही टीयर 3 कंडक्ट करा लेंगे ये, और टीयर 2 का रिजल्ट देकर नहीं कंडक्ट कराएंगे। पहले टीयर 2 का रिजल्ट देकर कराते थे, तो अच्छी बात है, एटलीस्ट हमारा एक स्टेप बचेगा इससे। एक तो ये बात हुई। अब देखिए, कई लोगों बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर मेरा नाम लिस्ट 1 में है, कई का है, कह रहे हैं कुछ लोगों, जैसे मेरे पास मैसेज आया, कई कहते हैं कि सर लिस्ट 3 में नाम है तो तैयारी करूं या ना करूं। तो देखो, मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये है कि मिरेकल्स हैपन, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप अगर 180 टारगेट करते हो दोनों में, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट बहुत आराम से मिल सकती है, कितने भी कम नंबर हो। अगर आपने कट ऑफ निकाली है, मतलब आप 147 के ऊपर हैं, मतलब आप इतने में अचीव कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए आपका नहीं होता है तो आपके पास खोने को क्या है। अगर आप टीयर 2 की तैयारी नहीं करेंगे तो सीजीएल 2020 की तैयारी करेंगे, ठीक है। आपके पास खोने को क्या है, यू हैव नथिंग टू लूज। अगर आप अभी तैयारी करते हो टीयर 2 की, तो मैथ्स और इंग्लिश आप अच्छे से तैयार कर लोगे अक्टूबर नवंबर तक, जब सीजीएल 2020 का टीयर 1 होगा मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च अप्रैल जब भी होगा, तब आपका मैथ्स इंग्लिश अच्छे से तैयार होगा, तो आपको सिर्फ जीएस और रीजनिंग ही तो एक्स्ट्रा पढ़नी रह जाएगी, 2-3 महीने में आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो आपके पास खोने को कुछ नहीं है, उल्टा आप बहुत अच्छे प्रो हो जाएंगे कि हाँ चलो मेरा कम से कम टीयर 2 का मैंने पेपर दिया है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो पेपर, जितना भी लोगों का नाम है लिस्ट में, आप सब लोग मन लगा के पूरे जी जान से तैयारी करिए। हार, देखो यार, जब तक युद्ध में जाओगे नहीं तब तक हार नहीं मानना है, कम से कम पहले युद्ध लड़ो। एक बार युद्ध आपने लड़ दिया तब आप हार मान लोगे, चलेगा, लेकिन जब तक आपने युद्ध नहीं लड़ा है और पहले ही हार मानोगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप युद्ध लड़ो, यानी कि आप कहने का मतलब है युद्ध की तैयारी करो, आप तैयारी करो अच्छे से, आप ये मान के चलो कि आप इस एग्जाम को निकालोगे, ठीक है। फिर आप अगर तैयारी करना शुरू करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कितने सारे बच्चों के कम मार्क्स आकर भी उन लोगों ने कई सारे अच्छे अच्छे पोस्ट में सिलेक्शन लिया है, आप पास्ट एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ठीक है। सो आप ये मान के चलिए कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं कि अगर आपने लिस्ट 1 में अपना नाम लाए हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोगों ने पहले से हार मान रखी है वो नहीं मानना है, हमें तैयारी करनी है और मन लगा के तैयारी करनी है, कितने भी मार्क्स हैं।
क्यों करनी है उसका रीजन मैंने आपको दे दिया, इसलिए आप मन लगा के तैयारी करिए, ठीक है। चलिए अब अगली बात आती है कि सर हम पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें, तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो सीधी सी बात, पहले तो ये जान लो हम अचीव कैसे करेंगे टारगेट को। हम एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे अपने एग्जाम्स के लिए, स्टडी शेड्यूल बनाएंगे और एक राइट स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और उसके बाद हम अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात इतना समझ लो कि आपको क्या करना है, आपको एक स्टडी शेड्यूल बनाना है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, इसको ध्यान से सुनो, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, फिर से बोल रहा हूं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि स्टडी शेड्यूल बनाते वक्त आप बड़े बड़े अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझने लगते हो, दिन में 12 घंटा 16 घंटा 22 घंटे का स्टडी शेड्यूल बना लिया, कोई फायदा नहीं उस स्टडी शेड्यूल का। स्टडी शेड्यूल ऐसा बनाइए जिसको आप फॉलो कर सकें, जिसको आप मान लीजिए अभी 3-4 घंटे पढ़ते हैं तो 5 घंटे का बना लीजिए, 5 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे का बना लीजिए। स्टडी शेड्यूल इस तरीके का होना चाहिए जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, समझ गए, और उसको फॉलो कर पाए, समझ रहे हैं। अगली बात ये समझ लीजिए कि आप जितने भी लोग, आप लोग टीयर टू की तैयारी कर रहे हैं, भाई अंडरग्राउंड होने का समय आ चुका है, आपके पास अब और समय नहीं मिलेगा। ऑलरेडी एसएससी ने काफी एग्जाम अक्टूबर में लेट डेट दी है, तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम अक्टूबर में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि देखिए कोविड की जो आपकी कोरोना की जो स्थिति है वो दिन पर दिन सुधर रही है, मतलब नंबर ऑफ केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अगर नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ वो दिन पर दिन नॉर्मल होती जा रही है। तो अगर स्थिति दिन पर दिन नॉर्मल हो रही है तो आगे जाके आपके एग्जाम्स भी कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अंडरग्राउंड हो जाइए बिल्कुल तरीके से। चलो स्टडी शेड्यूल को बनाते वक्त हम उसे 4 भाग में बांट लेते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट, ठीक है। कैसे कैसे हमें पढ़ना है इस पर बात करेंगे। देखिए सुबह का आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, आप सुबह उठिए आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप वोकैबुलरी को रिवाइज करेंगे। आपके पास कोई और काम नहीं है, सबसे पहला काम करिए आप वोकैबुलरी को रिवाइज करिए। सुबह उठिए आपको वोकैबुलरी पढ़ना है, 1-2 घंटा वोकैबुलरी को दीजिए। आपने वर्ड पार मेड इजी नहीं पढ़ी है तो वर्ड पार मेड इजी आई बटन से पढ़ लीजिएगा, वहां पे मैंने कंप्लीट करा रखी है। एमबी पब्लिकेशन से पढ़िए, नीतू सिंह की किताब से वो याद करिए, एसपी बख्शी से याद करिए, मेरे अनअकैडमी प्लस पर कोर्सेज हैं आप उनसे कर लीजिए, आपको जहां से सुटेबल लगे आप वहां से कर लीजिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर। देखो बेटा न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है अगर आप टीयर 2 की तैयारी कर रहे हो। टीयर 2 में आपके आरसी पैरा जंबल क्लोज टेस्ट के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और ये आपका रीडिंग सेक्शन होता है। अगर आप पढ़ते नहीं हैं, अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं तो ये सेक्शन में आप मात खा जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस सेक्शन को न्यूज़पेपर पढ़ के अच्छे से तैयार करना है। 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़िए और कोई भी अखबार पढ़िए, जरूरी नहीं है कि आप द हिंदू पढ़िए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, आप लाइव मिंट पढ़ लीजिए, कोई भी अखबार पढ़िए, लेकिन कम से कम उस 1 घंटे उसको अखबार को दीजिए, ठीक है। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम वोकैबुलरी रिवीजन और उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग, इतना काम आप सुबह उठ के सबसे पहले कर लीजिए। ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपना शेड्यूल बना लीजिए कि आपका सुबह का काम यही होगा, पहला काम वोकैबुलरी फिर न्यूज़पेपर, वोकैबुलरी न्यूज़पेपर, जो भी आपका काम है, ठीक है। तो मॉर्निंग के बाद में आपको न्यूज़पेपर को टाइम देना है और उसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक। अब बात करते हैं आफ्टरनून की कि आपको आफ्टरनून में क्या करना है। तो देखिए मॉक टेस्ट आपको रोज देने हैं, क्योंकि आप टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रोज मॉक टेस्ट देने हैं। उस मॉक टेस्ट को दीजिए, किसका कब देना है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। आप मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट के बाद में उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए, ठीक है, एनालिसिस करिए उस मॉक टेस्ट की कि भाई मेरा इस मॉक टेस्ट में मेरे इस पर्टिकुलर टॉपिक के इतने क्वेश्चन गलत हुए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ये सवाल गलत हो रहा है, ये कंसिस्टेंटली मैं 5 मॉक टेस्ट दे चुका हूँ या लगातार मेरा पैरा जंबल का सवाल गलत होता है, कंसिस्टेंटली मैं ये पेपर दे रहा हूँ मेरा अलजेब्रा का सवाल हर बार गलत हो जाता है, तो ये चीजें आपके पास नोट डाउन होनी चाहिए, यू शुड हैव नोट्स ऑफ देम। मॉक टेस्ट को आप करेंगे करीब 2 घंटे का एक मॉक टेस्ट होता है, तो डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है और उसके बाद करीब 1.5 से 1 घंटा आपको उसको देना है एनालाइज करने में, आपको उसके अच्छे से नोट्स बनाने कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो और कहाँ कहाँ पे आपकी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने पे आपको काम करना है। और मॉक टेस्ट देने के लिए आप किसी भी वेबसाइट से दे लीजिए, आपके पास प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स हैं, ग्रेडअप है, अनअकैडमी है, टेस्ट बुक है, आपके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप वहां से दे सकते हैं। इसके बाद बात आती है इवनिंग और नाइट शेड्यूल की। तो इवनिंग और नाइट शेड्यूल में देखिए क्या आता है आपका, इवनिंग और नाइट में आपको क्या करना है, मैथ्स प्रैक्टिस करना है और इंग्लिश प्रैक्टिस करना है, ठीक।
मैथ्स प्रैक्टिस इंग्लिश प्रैक्टिस दोनों को आप अलग अलग बांट लीजिए, आप एक एक टाइम दे लीजिए और दोनों के लिए आपको करीब 2 से 3 घंटा रिजर्व करके रखना है कि कम से कम 2 से 3 घंटा आपको इंग्लिश के लिए देना है और 2 से 3 घंटा आपको मैथ्स के लिए भी देना है। ये आप अलग से निकाल कर रखेंगे तभी आपका काम बनेगा। देखो बच्चा, आप तुम टीयर 2 में आ चुके हो तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप करना है, क्योंकि अब यहाँ पर सारे के सारे धुरंधर हैं। ये जितने भी 1.25 लाख लड़के सेलेक्ट हुए हैं, 1,25,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं, ये सब के सब धुरंधर हैं, ठीक है। और आपको इनसे कम्पीट करना है, जिसमें NIT वाले भी बैठे हैं, IIT वाले भी बैठे हैं, इंजीनियर्स भी बैठे हैं, CA भी बैठे हैं और अच्छे अच्छे लोग भी बैठे हैं, तो समझ रहे हैं। तो सारे के सारे स्कॉलर हैं, आपको उनके साथ कम्पीट करना है तो मेहनत भी उन्हीं के लेवल की करनी होगी। मैथ्स आपको 2 से 3 घंटा करनी है, इंग्लिश आपको 2 से 3 घंटा करनी है। मैथ्स करने के लिए आप किरण या फिर RYP का सहारा ले सकते हैं और इंग्लिश के लिए आप MB पब्लिकेशन, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स या फिर SP बख्शी या नीतू सिंह में से कोई एक किताब ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आपकी रात के शेड्यूल की, यानी बिफोर बेड शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए। तो देखिए, हमेशा के लिए ये अपना शेड्यूल बना लीजिए कि जब आप रात में सोने जाएंगे तो आपका काम क्या होगा, जो आपने सुबह के टाइम वोकैबुलरी पढ़ी थी उस वोकैबुलरी को आप सुबह रिवाइज करेंगे, जो आपने मॉर्निंग में वोकैबुलरी पढ़ी थी उसके लिए आप उसको आप रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे जो सुबह वोकैबुलरी पढ़ी थी, आधे घंटे का ये रिवीजन दीजिए। तो इसके थ्रू आपकी जो वोकैबुलरी आप लोग कहते हो ना भूलते हैं, आप भूलना बंद कर देंगे, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं गारंटी। जो सुबह वोकैबुलरी पढ़ी है उसको शाम को रिवाइज करने की आदत बनाइए, इससे जो आपकी वोकैबुलरी का रिटेंशन आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है, आप रिटेन ज्यादा देर तक कर पाते हैं, आप भूलते नहीं है वोकैबुलरी को, समझ रहे हैं। तो ये आप करना शुरू करिए। अब बात करेंगे जरा वीकली प्लान की, कि हमारे वीकली प्लान किस तरीके से बनेंगे। तो देखिए, हमारे पास मोटा मोटी करीब 13 हफ्ते हैं तैयारी करने के लिए। अगर हम हर हफ्ते के हिसाब से टारगेट सेट करें तो हमारा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा, बहुत स्मार्टली, बहुत आराम से, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है इस पर बात करेंगे। देखिए, आपके हम पहले week 1 to week 6 की बात करते हैं। आपने 3 भागों में मैंने बांट दिया है, मैथ्स, इंग्लिश और Tier 3, क्योंकि आपको तीनों को साथ लेकर चलना है तब आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो देखिए, मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, आप टारगेट बनाइए कि डेली 100 to 150 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। कोई एक टॉपिक मैथ्स का उठा लीजिए, उसको 1 से 2 दिन तक सॉल्व करिए जब तक उसके सारे सवाल हो नहीं जाते हैं, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खत्म करना है, हमें एक भी प्रीवियस ईयर छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पर, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इंग्लिश, इंग्लिश में देखिए आपको डेली MB पब्लिकेशन के 1 से 2 सेट लगाने हैं। इसके अलावा टारगेट करिए कि एंटायर बुक को आप एग्जाम से पहले 2 बार लगा लें, और मिरर ऑफ कॉमन एरर से 1 से 2 सेट लगाने हैं, और एक किताब आपको नीतू सिंह से करनी है या फिर अपने नोट से करना है, एक टॉपिक को रिवीजन करना है या मेरे नोट से कर लेना है, ठीक। और Tier 3 के लिए क्या करिए, एक डेली का एक ऐसे लिखने की आदत डालिए और एक लेटर लिखने की आदत डालिए कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पे। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए जिसमें आप डेली एक ऐसे और एक लेटर भेजिए और एक दूसरे के ऐसे और लेटर को आप जज करिए, उनको इवेल्युएट करिए, ठीक है, और आपस में एक दूसरे की कमियों को बताइए जिसपे आप बाद में काम कर सकें। ये सबसे बेस्ट तरीका है, डेली का हैबिट बना लीजिए कि इतना काम आपको करना है। तो ये पहले हफ्ते से लेकर 6ठे हफ्ते तक आप ये शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। अब आप देखिए, वीक में क्या टारगेट रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, हर चीज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो चीज फिर काफी ज्यादा क्लीशे हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक टॉपिक को मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप ये बनाकर रखिए कि 100 से 150 क्वेश्चन मुझे इस हफ्ते में इस टॉपिक के करने हैं। अब वो टॉपिक क्या है वो आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए क्या करना है मैंने उसका भी बता दिया, इनको नोट कर लीजिए अपनी एक डायरी में और उसके हिसाब से अपना एक शेड्यूल बनाइए। इसके बाद में week 7 to week 10 आपको क्या करना है, अब देखिए आप एडवांस मैथ्स पे अच्छा खासा फोकस करिए, एरिथमेटिक आपने कवर कर लेनी चाहिए पिछले हफ्तों में, एडवांस मैथ्स पे फोकस करिए, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपके जो भी ये टॉपिक्स हैं इनमें मन से पढ़ाई करिए ज्योमेट्री के ऊपर, क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 50% पेपर आपका एडवांस मैथ्स से आता है, तो इसको करिए। और जैसे जैसे एग्जाम हमारा पास आएगा हम मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ाते जाएंगे, तो अब मॉक टेस्ट को थोड़ा ज्यादा सॉल्व करिए। पहले 6 हफ्तों में आप चाहें तो डेली एक इंग्लिश का, एक मैथ्स का, एक इंग्लिश एक मैथ्स, यानी ऑल्टरनेट डेज पर, पहले दिन day 1 पे मान लीजिए आपने इंग्लिश कर लिया तो day 2 पे मैथ्स कर लीजिए, लेकिन week 7 और week 10 में आप चाहें तो डेली का 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो 4 घंटे आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे लेकिन वो काफी फ्रूटफुल होंगे, आप बहुत कुछ उन चार घंटों में सीखेंगे। और हमेशा टारगेट करिए कि 180 प्लस आपको मॉक टेस्ट में लाना है। देखिए, आप जितने मॉक टेस्ट में नंबर लाएंगे, आप सब लोग अब स्मार्ट हो चुके हैं तो मुझे पता है
कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप एग्री करते हैं या नहीं। देखिए टीयर वन में जो आपके मार्क्स थे, मुझे बताइएगा कि क्या मॉक टेस्ट में जितने आपके, मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मलाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स आते थे क्या वो उसके आसपास थे। मैं जितना जानता हूं कि हमेशा मार्क्स आपके मॉक टेस्ट के आसपास ही आते हैं, प्लस 5 प्लस 10 हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो मॉक टेस्ट को अच्छे से तैयार करो, जितना मॉक टेस्ट आप अच्छे से बनाओगे, जितने मॉक टेस्ट में आप स्कोर लाओगे, एग्जाम में भी उतने ही मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। टीयर थ्री के लिए भी एक ऐसे और एक लेटर डेली लिखते रहिए जैसे पहले कर रहे थे। इंग्लिश के लिए भी आप लोगों ने अब तक एक बार एमबी खत्म कर ली होगी, तो आप दोबारा से उस पर शुरू करिए, और इंग्लिश के लिए भी मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि उन्हीं से आपको काम सीखना है, मतलब उन्हीं से अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। और वीक 11 टू वीक 13 आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है मैथ्स में जिन्हें आप अभी भी गलत कर रहे हो, जिनके आपके अभी भी क्वेश्चंस नहीं बनते, उनके लिए आप जब पहली बार उन्हें सॉल्व कर रहे हो तो उन्हें सर्कल करते हुए जाइए, जिससे कि आप जब दोबारा उन्हें सॉल्व करें तो आप उन पे स्पेशल अटेंशन दें और आपको पता हो कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझे ध्यान से करना है, क्योंकि आप कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें आप जितनी बार करो उतनी बार गलत करते हैं, तो उनको हमें अच्छे से सॉल्व करना है। और 11 13 वीक्स में आपको मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये जीएस नहीं, ये टीयर थ्री होगा। टीयर थ्री के लिए आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी है, और इंग्लिश के लिए देखिए आपको क्या करना है, जो मॉक टेस्ट देने हैं वो देने हैं, और आपको वो कैब रिवीजन करना है, बस इतना काम आपको करना है। याद रखिएगा इंग्लिश के आपके कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, जिनको आप अच्छे से करिएगा, एक्टिव पैसिव, नरेशन आपका, आरसी, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट, इतने टॉपिक्स से आपका करीब 50% पेपर बन जाता है एसएससी सीजीएल टीयर 2 का। तो इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना है, और इनमें आपको 100% एक्यूरेसी लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इन्हीं में आप क्वेश्चंस गलत करेंगे और इंग्लिश में आपके नंबर एक एक करके कम होते जाएंगे। बेटा जिस तरीके का पेपर आ रहा है, आपको याद रखिए दोनों में 180 प्लस टारगेट करना है। इंग्लिश पेपर इजी आ रहा है, तो इंग्लिश में 170 स्कोर एवरेज स्कोर रहेगा, एक अच्छा स्कोर नहीं कहा जाएगा, इंग्लिश में अच्छा स्कोर 190 प्लस ही कहा जा सकता है, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आ रहा है। ईजी पेपर की बुराई यही है कि आपको उसमें बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको कौन सी किताबें रिफर करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुईस, इसकी समरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एमबी पब्लिकेशन आपको प्रीवियस की किताब खरीदनी है, नीतू सिंह या एसपी बख्शी खरीदनी है, या फिर इसमें से एक और किताब है हमारी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, इन चार किताबों को आपको लेना है। क्वांट की आपको कौन सी किताब लेनी है, आपको किरण की किताब लेनी है, आरवाईपी, इनमें से कोई एक किताब आप चूज कर सकते हैं। टीयर थ्री के लिए आप अरिहंत की एक 151 एसेस करके एक किताब आती है, आप उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका स्टडी शेड्यूल था, स्टडी प्लान था, स्ट्रेटजी थी आपके पूरे टीयर टू के लिए। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299911। अगर आपका कोई सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड डाउट है या आपका कोई भी अलग डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299117042। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हैं। टीयर टू के बैचेस अन अकेडमी पर मैंने पहले से कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर। और मेरे इस मंथ में भी कई सारे कोर्सेज प्लान्ड हैं, तो उन सारी चीज़ों की भी जानकारी आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपकी काफ़ी कुछ क्वेरीज, काफ़ी कुछ मदद हुई हो इस वीडियो से। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट वी कैन रीच टू द मैक्सिमम ऑडियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।